तो दोस्तों बात इस प्रकार की है कि बात है एमपी पुलिस कांस्टेबल रेडियो की जो एग्जाम होने वाली है, एमपी पुलिस कांस्टेबल रेडियो का जो अलग से पेपर होने वाला है उसकी बात है। इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको लेकर जो उलझन है, इतनी उलझन तो दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। वो जो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में भी इतनी उलझन नहीं होगी। बात यह है कि इसके पेपर को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया है एमपी पुलिस कांस्टेबल रेडियो के लिए, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, उनको बहुत ज़्यादा उलझन है कि हमारा पेपर किस तरह का होने वाला है। क्या हमारी जो अलग अलग स्ट्रीम है, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीई, बीटेक वाले जिन्होंने अलग अलग स्ट्रीम से अप्लाई किया है, जिनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन थी, अलग अलग क्वालिफिकेशन से अप्लाई किया है, तो क्या हमारा अलग अलग पेपर होने वाला है? क्या क्या होने वाला है, कैसा पेपर होगा? तो देखिए, फर्स्टली तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं जिसमें मैंने रेडियो का सिलेबस बताया था अलग से वीडियो वाला, एक मैंने एमपी पुलिस एसएफडीएफ रेडियो क्या होता है वो बताया था, और एक मैंने एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल रेडियो का मॉडल पेपर बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर से देखना है, क्योंकि वहाँ से आपकी और जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगी। और ये वीडियो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है ना, यहाँ पर आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बी बीटेक की, ठीक है? तो आपकी जो है जो पोस्ट है उसको पढ़ ले अच्छे से। आपकी जो पोस्ट होने वाली, जिस पोस्ट के लिए आप भर्ती होंगे, वो पोस्ट है आरक्षक पोस्ट, यानी कि कॉन्स्टेबल। जो पुलिस विभाग की नींव होती है ना, सबसे नीची निचली जो पोस्ट होती है ना, वो पोस्ट पर आप भर्ती हो रहे हैं। तो आपको है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पेपर है वो तीनों का अलग अलग नहीं आएगा, तीनों का एक ही पेपर आएगा। देखिए, डीएफ जो है और रेडियो है ना, इससे पहले जब भी भर्ती हुई थी तो डीएफ और रेडियो की अलग अलग इन्होंने पोस्ट नहीं निकाली थी, अलग अलग पेपर नहीं लिया था। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहली बार हो रहा है जब अलग अलग पेपर लें। इससे पहले जो हुई थी, मैं आपको बताऊं, 2016 की जो एग्ज़ाम हुई थी, 2017 की जो एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी रेडियो की पोस्ट थी, उसमें भी डीएफ एसएफ की पोस्ट थी, लेकिन जिनके ज़्यादा नंबर थे वो लोग रेडियो में चले गए, ठीक है ना? यानी कि आपने जो प्रेफरेंस डाली है ना, बहुत सारे लोगों ने रेडियो प्रेफरेंस डाल दी है, तो जो ज़्यादा नंबर वाले हैं वही तो रेडियो में जाएंगे, है ना? तो ज़्यादा नंबर वाले रेडियो में चले गए। उसके अलावा भी और भी पोस्ट थी उसमें, क्राइम ब्रांच थी, स्पेशल ब्रांच थी, एनसीआरबी थी, एससीआरबी थी, ईओडब्ल्यू थी, ये ब्रांचेस जो पुलिस की होती वो भी थी, उनमें भी कुछ लोग गए, लेकिन इस बार नहीं है ना। और 2017 में भी जो ज़्यादा नंबर वाले थे वो रेडियो में चले गए, ठीक है ना? तो पेपर एक ही हुआ। तो अब ऐसा क्या भूकाल आ गया, ऐसा क्या भूचाल आ गया कि इन्होंने अलग से ये निकाल दी? अब क्या है, थोड़ा सा टेक्निकली जो है वो, जो टेक्निकली अपराध जो है वो बढ़ गया, साइबर में ज़्यादा अपराध बढ़ गया है ना। और इसके अलावा और भी जो रेडियो में टेक्निकल बंदे इनको चाहिए, ठीक है ना? तो टेक्निकल बंदे चाहिए, तो इसलिए अलग से पेपर ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि तीनों जो है स्ट्रीम वाले, आपने भले कंप्यूटर साइंस से किया हो, है ना, पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस से किया हो, इलेक्ट्रॉनिक से किया हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल मैकेनिक हो आप, या फिर आपने बी बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हो, जिससे भी किया हो, आपने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने इस स्ट्रीम से फॉर्म भरा है तो आपने जिस स्ट्रीम से फॉर्म भरा है एग्ज़ाम उसी बेस पे होगी, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने पहले भी बताया है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होंगे, कंप्यूटर बेस्ड पूरा पेपर होगा। देखिए, 99% नहीं कह रहा हूँ मैं, 95% है, 90% कह रहा हूँ कि इस टाइप का पेपर होगा, ठीक है? क्योंकि पहली बार पेपर हो रहा है, ना ही इन्होंने सिलेबस दिया है, ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। लेकिन मैं मेरे नॉलेज से, मेरा जो एक्सपीरियंस है, पिछले जो पेपर्स वगैरह है और भी मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज रहेगा, टेक्निकल बेस्ड नॉलेज रहेगा, लैंग्वेज से बेस्ड नॉलेज रहेगा आपका, एमएस वर्ड एक्सेल वगैरह से रिलेटेड, साइबर से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा थोड़ा बहुत, है ना, इन स्ट्रीम्स से भी पूछ लिया जाएगा थोड़ा बहुत, यानी कि मुश्किल से मुश्किल 10 नंबर का, ठीक है? तो आप जिस पोस्ट के लिए भर्ती हो रहे हैं उस पोस्ट में, यानी कि डीईएफ जो है ना, और रेडियो, इसमें कोई अंतर नहीं है। आपकी सैलरी अलग अलग नहीं होगी, आपका जो काम है उसमें डिफरेंट रहेगा, है ना? तो आपकी अब
बात यहाँ पर आती है एमपीपीएससी यूपीएससी की, ठीक है, वहाँ पर स्ट्रीम्स चेंज हो जाती है, तो इसलिए उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहाँ पर भी पेपर नहीं लिया जाता, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन जो है आपको अप्लाई करने के लिए दी गई है। बहुत सारे लोग कमेंट में मुझसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि सर ऐसा क्यों होगा, ऐसा पेपर क्यों आएगा, हमने तो इससे फॉर्म भरा है, हमारी जो क्वालिफिकेशन है उससे हमने फॉर्म भरा है, तो हमारे लिए तो यही पेपर आना चाहिए। मुझसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, यानी मैं पेपर बना रहा हूँ, एग्जाम जो होगी वो मैं कंडक्ट करा रहा हूँ, अरे भाई मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आपकी लिए, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, आप परेशान ना हो, अलग अलग भटके नहीं चीज़ों के लिए कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इसीलिए मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। और कुछ लोग मुझसे आर्गुमेंट करते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होनी चाहिए, और इसीलिए मैं टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूँ, और यही है आपके कन्फ्यूजन इस बार फाइनली क्लियर हो जाएगी, है ना, कि कैसा क्या पेपर होने वाला है, कैसा क्या होगा, इसमें आप पूरी तरीके से कंफर्म रहे कि आपका सभी का, रेडियो वालों का पेपर एक ही होगा, अलग अलग पेपर नहीं होगा। और हो सकेगा तो देखिए पहले ही दिन पेपर होगा, ठीक है ना, फर्स्ट डे में ही आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, फर्स्ट डे में ही पेपर हो जाएगा या फिर से 2 दिन में पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोनों जो आपका, आपको कॉन्स्टेबल भी क्लियर करना है इसमें और रेडियो भी इसमें क्लियर करना है, दोनों क्लियर करना है, तो दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, एक पाली में आपका कॉन्स्टेबल वाला हो जाएगा और दूसरी पाली में आपका रेडियो वाला हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको डेली वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको चैनल पर विजिट करके एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल रेडियो या कॉन्स्टेबल जीडी से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, एमपीजी के पूरी सीरीज मिल जाएगी, मैथ्स के वीडियोस मिल जाएंगे, जाकर जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।